अभी अभी भारतीय मौसम विभाग आमडी ने देश के कई राज्यों में भारी वर्षा और तेज तूफान को लेकर हाईलाइट जारी किया। यूपी, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में भारी वर्षा और तूफान की संभावना जारी की है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के अलावा एक पश्चिमी विक्षोभ उठा है, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में भारी वर्षा और तेज तूफान की संभावना। आईएमडी ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका और बहुत ही भारी तबाही मचा रहा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आईएमडी का कहना है कि 26 जून तक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। इसकी वजह से देश के कई राज्यों में भारी बारिश और तेज तूफान आने वाला है, लेकिन अभी अभी 23 जून को देश के कई राज्यों में भारी बारिश और तेज तूफान की चेतावनी दे दी गई है मौसम विभाग के द्वारा। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली समेत कई राज्यों में तेज बारिश होने व 50 से 60 प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफान आने की संभावना जारी की है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर संभाग के कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने बिहार और झारखंड के कई जिलों में तेज बारिश और तूफान की चेतावनी दी है। वहीं दिल्ली में भी बहुत ही भयंकर बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक कई राज्यों में प्री मानसून की बारिश हो रही है और कई राज्यों में तूफान की वजह से तेज बारिश और तूफान आने की चेतावनी जारी कर दी गई है अभी भी मौसम विभाग के द्वारा। तो ये है आज के मौसम विभाग के समाचार। इसी जुड़ी जानकारी आप अपने राज्य और शहर का नाम कमेंट सेक्शन में जुड़ लिखिएगा। धन्यवाद।